पश्चिम बंगाल में आज राजनीतिक माहौल बहुत गर्म रहा। आज यहां सियासत का संडे था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का रोड शो। तो आप देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव पर हमारी ये बहुत ही खास रिपोर्ट। परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का खूब एहसास है कि उन्हें असली चुनावी चुनौती पश्चिम बंगाल में ही मिलने वाली है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके खिलाफ लंबे वक्त से तलवार भांज रही हैं। देखा जावे खेला हमें हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, और जो हमसे टुकराता है वो चूर चूर हो जाता है। बीजेपी से ज्यादा ममता के निशाने पर पीएम मोदी ही रहे हैं, और यही वजह है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी रैली में पहुंचे तो उनके सीधे निशाने पर ममता दीदी ही थी। ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दीदी ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। साल 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी यहां एक ताकत के तौर पर उभरी है, और यही वजह है कि बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी को मात देने के लिए विधानसभा चुनाव में खुद पीएम मोदी ने ही मोर्चा संभाल लिया है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर आज मोदी ने ममता के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया, और मोदी की इसी अलगार के साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। भारत माता की। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका तिनका, बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुष परेशान है, वो अपनी आंखों के सामने अपनों का खून बहता देखता है, वो अपनों को अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखता है, वो अपनों को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखता है, वो अवसरों के अभाव में अपनों को पलायन करते देख रहा है, और पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय। नारा करले कत, रेल बिक्री करले कत तोलाबाजी होय, सेल बिक्री करले कत तोलाबाजी होय, एयर इंडिया बिक्री करले कत तोलाबाजी होय, कोल इंडिया बिक्री करले कत तोलाबाजी होय, उजाला गैस कहां गया, उजाला उजाला का रोशनी कहां गया, कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटी कोटि रुपया खा लिया, सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट, इंडिया नोज ओनली वन सिंडिकेट, दैट इज नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देयर इज नो अदर सिंडिकेट, ओनली वन सिंडिकेट इज वर्किंग इन इंडिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। अरे वो पहले बीजेपी का लोग बोलते थे कि बोले ममता बनर्जी के 365 धारा
पश्चिम बंगाल में आज सियासत का सुपर संडे था। एक तरफ पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से ममता को ललकारा, तो वहीं दूसरी तरफ ममता भी सिलीगुड़ी की सड़क से पीएम मोदी के चुनावी वार पर पलटवार करती नजर आई। बंगला तो सुनार बंगला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो भेज दिया, दिल्ली का लाल किला को भेज दिया, ताजमहल को भेज देंगे, इंडियन रेलवे को भेज दिया, बीएसएनएल को भेज दिया, कोल इंडिया को भेज दिया, डिफेंस को भेज दिया, एयर इंडिया को भेज दिया, हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी है, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है, आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई, टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज के में डुबो दिया। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। इस बार बंगाल का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि जहां ममता को अपना अमेघ गढ़ बचाना है, वहीं बंगाल जीतकर पीएम मोदी देश की राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि उनके करीबियों को भी सीधे अपने निशाने पर ले लिया है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है, कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है, दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। कोविड में इतना लोग मरा, इतना पूरी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता है जाके राउंड बना के हम बाजार में घूमा, रास्ता में घूमा, हॉस्पिटल में घूमा, कहा थे आप और आज के इंजेक्शन हमारा पैसा दिए कीनते चाहिए, इंजेक्शन मध्य मोदी मुख लगी दिए बुझुन, कोविड इंजेक्शन तार मध्य मुख लगी दिए तार मने उन्हीं ओचन कोविड कोविड जाबिन नशे गैलाई कोविड वैक्सीन गैलाई कोविड के ने बताला कोल बे ये रकम होए क्यों इंजेक्शन उन्हीं जन्ना निजे छोबी रास्ता उन्हीं जन्ना में। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में आज ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी जमकर पलटवार किया। बंगाल के चुनाव में महंगाई मुद्दा बने, इसीलिए आज उन्होंने सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर की महंगाई को थीम बनाकर लंबा रोड शो किया और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी।
बोले प्रधानमंत्री चेयरटा के तो सम्मान करूं ए आपको शोभा नहीं देता, आप उल्टा पल्टा जो झूठा बात कहते हैं छुपा रुस्तम का तारा झूठ बोले कौवा काटे। बीजेपी के चाइना गैसर दाम बढ़ानोर मालिक बीजेपी के चाइना, रेल बिक्री करार मालिक बीजेपी के चाइना, कोल इंडिया बिक्री करार मालिक बीजेपी के चाइना, बैंक बिक्री करार मालिक बीजेपी के चाइना, खाद्य बंद करार मालिक बीजेपी के चाइना, गैसर दाम बृद्धि करार मालिक बीजेपी के चाइना, पेट्रोल डीजेल दाम बृद्धि करार मालिक बीजेपी के चाइना, दंगाबाज बीजेपी के चाइना, भ्रष्टाचारी बीजेपी के चाइना, দুর্নীতিবাদ বিজেপি কে চাই না, তোলাবাজ বিজেপি কে চাই না, বাংলা একটাই চায়, বাংলা বাংলাতে শান্তিতে থাকতে চায়। ভ্রষ্টাচার আর নয়, আর নয়, ভ্রষ্টাচার আর নয়, আর নয়, তোলাবাজি আর নয়, আর নয়, তোলাবাজি আর নয়, আর নয়, কাট মানি আর নয়, আর নয়, কাট মানি আর নয়, আর নয়, সিন্ডিকেট बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गए? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल में आज सियासत के सुपर संडे को देखते हुए जाहिर है कि बंगाल की ये चुनावी जंग गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा होनी तय है। ब्रिगेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी ने दो नए नारे भी दिए, एक है एई बार यानी इस बार, और दूसरा है आर नॉय यानी और नहीं। उन्होंने इस नारे के जरिए ये बताने की कोशिश की कि बंगाल में अब क्या नहीं चलेगा और सरकार बनने पर वो क्या करेंगे। ये वीडियो पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली के लिए लाखों लोग जमा हुए। पीएम मोदी ने इस रैली में ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ममता राज पर कुशासन का आरोप लगाया है। उन्होंने बंगाल में अन्याय, कट मनी, हिंसा, सिंडिकेट, असुरक्षा और बर्दाश्त नहीं करने का नारा दिया। भ्रष्टाचार आर नॉय, आर नॉय, तोलाबाजी आर नॉय, आर नॉय, तोलाबाजी आर नॉय, आर नॉय, कट मनी आर नॉय, आर नॉय, सिंडिकेट आर नॉय, आर नॉय, सिंडिकेट आर नॉय, बेरोजगारी आर नॉय, हिंसा पीएम मोदी के इस नारे के बारे में एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था। आर नॉय हिंसा, आर नॉय सिंडिकेट, आर नॉय कट मनी, आर नॉय असुरक्षा, ये सारे वो शब्द हैं। न्याय की जगह कई सारे नए शब्दों का इस्तेमाल आज से ही शुरू हो जाएगा। ये बड़ा और नया कैंपेन जो शुरुआत होगी कम शब्दों में बड़ी बात रखने की, लोगों तक पहुँचने की। भारत माता की, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने एक और नारा देते हुए कहा कि इस बार अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो क्या क्या होगा। अशोल परिवर्तन, चाकरी, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास,
विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।